इंदौर के बंगाली चौराहे पर बन रहा ब्रिज अब तकनीकी खामियों के कारण कौतूहल का विषय बन गया है। इसी के चलते बुधवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इंदौर सांसद और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री ने मिलकर अधिकारियों को जोरदार फटकार लगा दी। ब्रिज की दोनों भुजाओं का निर्माण तो हो चुका है, वहीं चौराहे पर से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा शिफ्टिंग के बाद बीच के हिस्से को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह ब्रिज डिजाइन के मुताबिक प्रत्येक 15 मीटर में 4 पिलर बनाए जाएंगे। इसकी वजह से ट्रैफिक रुकेगा। रहवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, लिहाजा अब ब्रिज के डिजाइन में तब्दीली की जाएगी, जिसकी वजह से 8 करोड़ रुपए ज्यादा का खर्च आएगा। अधिकारियों की इस गड़बड़ी से भाजपा के तमाम विधायक और पदाधिकारी नाराज हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से भी मुलाकात की थी। खर्च बढ़ने और फ्लाईओवर के डिजाइन में आए डिफेक्ट की वजह से सांसद और जल संसाधन मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। ये तकनीकी त्रुटि है, जो शुरू से प्लान था उसका, जब ये यहाँ के एक्सपर्ट को समझ में आया कि स्पान छोटा है, इसमें आने वाले समय में ट्रैफिक जाम हो सकता है, तब ये बात आई 2020 में आई थी, तभी मैंने ये बात करी थी। किंतु लॉकडाउन के कारण और BRTS और जो मेट्रो स्टेशन आने वाला था उसके कारण वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब जब बात आई तो मैंने माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी से बातचीत करी, हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी, ललवानी जी, इनसे भी बातचीत करी, और मेरे ख्याल से प्रमुख सचिव आएंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक दो दिन के अंदर, उनके साथ बैठकर चर्चा होगी। माननीय मंत्री जी से भी मेरी पूरी बात हो गई है और उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस विषय, ये जो विषय है, इसको हल करें। 3-4 करोड़ का खर्चा उस समय बताया था मेरे को, 3-4 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा, उसके अंदर ये लंबा स्पान डल जाएगा। उनका तो एक प्लान पूरा होता है, किंतु चूंकि अब इंदौर अलग है, एक आईडिया का अलग ब्रिज बन चुका है, तो लोग तो उससे कंपेरिजन करेंगे ना कि वो आईडिया का जो ब्रिज बना है उसमें कितना स्पान दे रखा है, उसमें कितना स्पान है। तो नहीं देखिए, अभी तो क्या, अभी स्कूल की बस भी नहीं है, अभी बॉम्बे के तरफ जाने वाली, ग्वालियर की तरफ जाने वाली बस भी फुल चालू नहीं हुई। जब ये सब चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या आएगी। इसलिए ये पूरा ज्ञान पूरी बात अधिकारियों के समक्ष रखी है, प्रमुख सचिव आएंगे तो समय चर्चा होगी। देखिए, बंगाली चौराहे पे जो ब्रिज बन रहा है उसमें हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीच में पिलर नहीं आना चाहिए। अगर बीच में पिलर आता है तो यातायात की समस्या रह सकती है, दुर्घटना की समस्या हो सकती है। तो हमारा सिंपल कहना है कि बीच के पिलर के बजाय इसका स्पान जो है ब्रिज का बड़ा होना चाहिए, ताकि बीच का हिस्सा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और चूंकि पास में ही पिपलाना ब्रिज बन चुका है तो लोगों को कंपेरिजन करने में आता है कि पास में जिस प्रकार का ब्रिज बना है बड़े स्पान का, उसी प्रकार का बनना चाहिए। ये सुझाव हम, मुझे ध्यान है जब इंदौर विकास प्राधिकरण में पिपलाना की डिजाइन बना रहे थे उस समय हमने PWD वालों को से भी बात की थी, लेकिन हो सकता है उस समय दूसरे अधिकारी हों, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। अगर उस समय ध्यान देते तो आज ये समस्या नहीं आती। देखिए PWD का एक अपना विभाग है, और आज भी मैंने एक नाराज़गी व्यक्त की है कि वो AB रोड पे जो एलिवेटेड की बात है उस पर मैंने कड़ी आपत्ति भी की और बहुत नाराज़गी भी व्यक्त की, क्योंकि AB रोड पर BRTS को जो बात आ रही थी एलिवेटेड ब्रिज बनाने की, हमने देखा कि उसको उन्होंने पूरी डिज़ाइन चेंज कर दी। मेरा ऐसा मानना है इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ, इंदौर के तकनीकी लोगों के साथ, जनता के साथ बैठकर हमने जो डिज़ाइन बनाई थी उसी प्रकार पे होना चाहिए। उन्होंने पूरा परिवर्तन कर दिया। आज मैंने घोर आपत्ति ली और ये आपत्ति मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कही थी, और इसी आपत्ति को प्रदेश सरकार के जो PWD PA थे वो आए थे मिलने थे, मैंने उनको बताया था क्या क्या समस्या आने वाली है, और उसी को लेकर 18 तारीख को PS इंदौर आ रहे हैं, सभी अधिकारी इंदौर आ रहे हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि और तकनीकी लोग बैठ कर उसमें निर्णय लेंगे। को नीरज मंडलोई जी हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद में मंत्री जी के साथ भोपाल में बैठक होगी, सारे रास्ते निकाले जाएंगे, कोई भी बाधा अड़चन होगी, समस्या होगी, उसका समाधान करा जाएगा। हमने निर्देश दिए हैं कोई भी योजना, कोई भी ब्रिज बनता है वो 5 साल 10 साल के नहीं, 50 या 100 साल के लिए बनता है, ये रचना उसकी होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई मध्य प्रदेश में, और देश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद जी ने भी उठा लिया, अब मैं तो सांसद जी और विधायक जी के साथ, और अब समस्या का समाधान होगा। पिछला क्या हुआ उस पर मत जाओ, भविष्य कैसा हो इस पर करना। अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं सर, फिर इसको सुधार कितना
खर्च बढ़ रहा है क्या? नहीं नहीं, हमने बोला खर्च कितना भी आए पर जनता के हित में खर्च महत्वपूर्ण नहीं, सुविधाएं महत्वपूर्ण, ब्रिज महत्वपूर्ण, जो यातायात का दबाव है उसको कैसे हम समाधान करें, उसका निराकरण कैसे करें, आम जनता को सुविधा कैसे दें, ये हमारे लिए हमारा पहला लक्ष्य है। बैठक के बाद डिजाइन बदलने को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन इससे खर्च भी खासा बढ़ जाएगा। यहाँ से मेट्रो ट्रेन का रूट भी प्रस्तावित है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अधूरे ब्रिज का काम और भी लंबा खींच सकता है। प्रतिभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।